हम नहीं रोकने वाले उसे। रानी, रानी, देखिए, इधर देखिए। अगर आप आज उन्हें नहीं रोकेंगी तो बात संभालनी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मान जाइए इस बात को। हम आज आपकी एक भी नहीं सुनेंगे डॉक्टर साहब, और उसकी धमकियों से भी नहीं डरेंगे। उसको जाना है तो उठ जाए, हम भी सही है उसके बगैर। बिरजू, बिरजू रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें तो रानी के साथ होना चाहिए ना। अगर इनकी तबीयत का चक्कर ना होता तो यहीं सारा सच खोल के रख देते। रानी के लिए हमें चुप रहना पड़ेगा। जरूरत तो रानी को तुम्हारी है ना बिरजू। अब सोचो, वो यहाँ पे अकेली गोवा में अपने घर से दूर, बाऊजी से दूर, अपने दोस्तों से दूर। अब अगर तुम भी उसे छोड़ के चले जाओगे तो वो किससे अपना हाल बताएगी, किससे अपनी दिल की बातें बताएगी और किससे बातें करेगी? बात तो सही है, रानी को हमारी जरूरत पड़ सकती है। पति और परिवार के चक्कर में अपना ख्याल रखना तो जैसे भूल ही गई है वो। प्लीज रुक जाओ। पर इतनी मिट्टी काहे बन रही हमसे, कहीं नया नाटक तो नहीं रचा रही? जो भी हो, रानी के लिए शायद हमला रुक जाना ही सही रहेगा। ठीक है, हम रुक जाते हैं। इस बार तो प्लान बच गया, अब आगे जो करना है जल्दी जल्दी निपटाना होगा। थैंक गॉड गवार रुक गया। कहीं अगर बद्दुआ दे दी होती मुझे और वीर को तो हमारी तो लाइफ ही खराब हो जाती। मैं ना एक काम करती हूँ, उसे कोई अच्छी सी गिफ्ट लाके देती हूँ, फिर एक बार मुझसे खुश हो गया तो मेरी और वीर की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेगा। पर क्या गिफ्ट में दू? स्पा का पैकेज देती हूँ। नो, कॉन्सर्ट की टिकट्स दे देती हूँ। अरे वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्या दू? पुड़बक कहीं का क्या दिक्कत है उसका? जब भी आता है तूफान की तरह आता है, सब कुछ हिलाकर चला जाता है। मुंह खोलता है तो सिर्फ तेजाब फेंकता है, तेजाब। क्या दिक्कत का है उसका? हाँ, मन तो करता है कंटाप मार मार के सीधा बलिया पहुंचा दे। कुछ समय दूर रहेगा, हमसे बतियाएगा नहीं ना, तभी आएगी अक्कल ठिकाने उसकी। अक्कल तो हमें पहले से ही कूट कूट के भरी है। तभी तो तेरे इतना बोलने के बाद भी हम ना ही गए। अब खड़े हैं तेरे सामने, मार ले जितना कंटाप लगाना है हमें। हम जानते हैं कि हमसे वो गलती हो गई, लेकिन पर तू भी तो जानती है कि जब भी तेरी बात आती है तो हम कहीं से एकदम पगला से जाते हैं। हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी ये जुबान, इस सपना ससुर हमारे बेकाबू हो जाता है। हम तुझसे वो कह रहे थे कि मान जाना, थूक देना गुस्सा। इस शकल मत बना तू, यही देख के ज्यादा गुस्सा आता है हमें। अब तू कुछ भी कर ले हम नहीं मानने वाले। अरे आज के बाद नहीं करेंगे भाई सर, माता रानी कसम दोबारा ऐसा नहीं होगा। यही माता रानी की कसम 50,000 बार ले चुका है तू, अमल किया है कभी? देख तू ऐसे नहीं मान रही है ना। हाँ ठीक है, हम ना अपना पुराना वाला पैतरा अपनाएंगे, फिर हमें बोलना मत कि हम तुझे चेतावनी नहीं दिए, बुझे? हमेशा अपनी कमजोरी की शिकार हो जाती है तू। अगली बार लेकिन तेरा शिकार कर देंगे। हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन फिर से ऐसा मत करना कभी। हम वादा करते हैं तेरे से, तेरे डॉक्टर के बारे में हम एक्टो शब्द भी नहीं बोलेंगे। खुश डॉक्टर साहब, फाइनली आप लोग के बीच में बट्टी हो गई। बट्टी? अब वो
मेरा मतलब है कि मैं नंदिनी और विक्रम जब छोटे हुआ करते थे तो जब लड़ते थे हम लोग कट्टी करते थे और सुलह होने पर बट्टी। एनीवेज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अरे डॉक्टर, ही रानी का कट्टी बट्टी से नहीं चलता। जब ई गुस्सा होती है ना तो एकदम कोयले की भट्टी की तरह गर्म हो जाती है। अरे हम ना तेरे लिए ठंडा सा नारियल पानी लेकर के आते हैं। डॉक्टर आप लेंगे? नहीं थैंक यू। ठीक है हम लाते हैं अभी। अच्छा किया आपने। हाँ अभी के लिए तो हम मान गए। अच्छे से समझा दिए उबुड़बक को। आपके खिलाफ एक भी शब्द ना हम सुन सकते हैं ना ही सह सकते हैं। माने हम किसी के भी खिलाफ गलत नहीं सुनते हैं। अच्छा ओ सब एक जैसे ही तो है। कछु काम था का आपको? हाँ आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आपके कॉलेज की एडमिशन फीस जमा करने का फॉर्म है। जैसे ही आप इसे भर देंगी आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। सच्ची? माने हम अब कॉलेज में जाकर इंजीनियर बन जाएंगे? ये कहाँ जा रहा है? बिरजू, बिरजू, जाने दो, बाद में उसको गिफ्ट दे दूंगी। पीछे पीछे कौन भागेगा? बिरजू बाहर गया, बावर्ची किचन में है और चंपा रूम साफ कर रही है। तो ये रानी इतना खिकी करके किससे बात कर रही है? गलती मत कीजिएगा रानी। अब जानते हैं डॉक्टर साहब, अब आप अध्यापक बनकर हमें मत समझाइए कि ऐसे भरिए वैसे भरिए। पढ़े लिखे हैं हम, समझते हैं। एक छोटी सी भी गलती हुई ना, एक वर्ड इधर का उधर हुआ तो फिर नया फॉर्म निकलवाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ और आप। अच्छा अच्छा ठीक है हम भर देंगे ध्यान से। अब आपका मास्टर जी बनकर छड़ी से मारेंगे हमको। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है। बोल्ड लेटर्स में लिखेगा, लिखिए। रानी, रानी, यहाँ नहीं, यहाँ इधर आइए। आप कहाँ करें, कहाँ जाएं? ये किससे बात कर रही है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी और मैं साथ हूँ। अरे विक्रम रुको, विक्रम रुको। अंदर रानी और उसका पति है। बेचारों को इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है, तुम इनके मोमेंट खराब कर रही हो। नो विक्रम, वो उसका पति। पता नहीं शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी देखने में, पर रानी ऐसे कैसे मेरे कमरे में? गलत बात है ना? हाँ है तो सही, बट तो क्या कर सकते हैं अभी। एक काम करते हैं, इससे पहले कि वो दोनों शर्म से पानी पानी हो हम यहाँ से चलते हैं, है ना? और थोड़ी तक बात पहुँच गई ना तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना? एक सेकंड ना। अरे
अरे आप लोग दरवाजा तो बंद कर लिया करो यार, गोवा में हो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी कुछ भी करोगे। जो रंग तेरा मुझ पे चढ़ा वो रंग कभी ना छूटेगा, जिस धागे ने हमें बांधा है वो धागा कभी ना टूटेगा। मैं मौसम नहीं जो बदलूंगा, लम्हों की तरह ना गुजरूंगा, तू पल भर जहां भी ठहर जाए, मैं पूरी उम्र वही ठहरूंगा है, क्यों खो दिया। चले गए होंगे ना, पता नहीं। आपको क्या लगता है? कच्चू कह नहीं सकते, फिर से वापस आ गए तू, बस यही है तो फॉर्म भर देते हैं। एक मिनट, फॉर्म खराब कर देंगे आप। खराब का है? बीच का नाम रामू काका का क्यों? क्यों माने? बचपन से लिखते आए हैं, पाउची है हमारे। हाँ लेकिन अब आप मेरी पत्नी है ना? रानी वीर सिंह अचावत। आप अपना नाम जहां पर भी लिखेंगी यही नाम लिखेंगी ना? सब चीजों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजावत परिवार की बहू हैं आप, और आपके सपनों के आगे ये 10 लाख कोई मायने नहीं रखते। नहीं डॉक्टर साहब, हम आज तक जो कुछ भी किए अपने दम पर किए। हमारा स्कूल सरकारी था तो कभी भी फीस भरने की नौबत ना ही आई, और अब हम टाप करते थे, चौचक नंबर लाते थे, तो स्कॉलरशिप के जरिए हम किताबें भी खरीद लेते थे, लेकिन अब एकदम से ये 10 लाख। आपके और मेरे पैसे कुछ अलग हैं क्या? उनमें कुछ फर्क है? नहीं ना,
रानी आप तो सारी कहानी जानती हैं। बनारस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन मिस हो गया, पर आपकी स्कॉलरशिप वहीं की थी, राइट? जयपुर का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट कॉलेज है, यहाँ की फीस इतनी ही होती है। और तो और दादी साहब ने बड़ी मुश्किल से उस प्रिंसिपल को मनाया है। देखिए आप इन सब चीजों के बारे में सोचिए मत, आप बस फॉर्म भर दीजिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, ओके? नहीं डॉक्टर साहब, ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप पकड़िए ही। रानी नहीं, हम डॉक्टर साहब अगर हम पढ़ेंगे तो अपने दम पर पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं। इस तरह से मतलब? ये कोई गलत तरीका नहीं है रानी, और जब हम लाइफ में कंफर्टेबल हैं, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए हम मानते हैं कि हम आपकी पत्नी हैं, एक शाही खानदान के बहू हैं, कोनो चीज की जरूरत ना है हमें, पर हम कौन है, कहां से आए हैं, हमारी अपनी पहचान, ये सब तो हम नहीं भूल सकते ना डॉक्टर साहब। मेहनत से डरकर आसान रास्ता चुनने वालों में से नहीं है हम डॉक्टर साहब। ये सपना हम देखे, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, आप पर ही बोझ नहीं डालना चाहते हम। अब ये सपना अपने दम पर पूरा करेंगे हम, पूरी मेहनत से, और रू के बाद अपना टेम भी लाएंगे हम। अपनी काबिलियत पर भरोसा करके आसमानों को छूना चाहते हैं, बिना किसी का सहारा ली, इसीलिए माफी चाहते हैं डॉक्टर साहब। पर हम एक दो साल और इंतजार करना चाहते हैं, फार्म भरेंगे टेम पर, डटकर मेहनत करेंगे और फिर चौचक इंजीनियर बनेंगे अपने दम पर। कहे कि हमने हमेशा से ऐसे ही सपना देखा है, और हम जानते हैं आप समझ पाएंगे। आपकी आंखें भर आई, अब हमने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं रानी बिल्कुल नहीं, मैं बस हैरान हूं आपके जज्बे को देखकर, आपकी लगन को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर। हर बार आप ऐसा कुछ कह जाती हैं जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाता है, एक बेहतर इंसान बन जाता हूं मैं। गर्व है मुझे आप पर, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सिर्फ बलिया या जयपुर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे टॉप इंजीनियर बनेंगी, और वो भी अपने ही दम पर। और उसके बाद मैं आपको 45 डिग्री वाला सैल्यूट दूंगा। क्या कर रही हो ये? जैसे आपने मेरे सपनों पे झाड़ू फेरा है ना, मैं आप पे कचरा फेंक रही हूँ। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सुंदर सुंदर सपने बुने थे, समंदर किनारे बड़ी वाली टोपी लगा के, कानों के पीछे फूल फंसा के, स्ट्रॉ से सुरुप सुरुप करके नारियल पानी पीऊंगी, पर हुआ क्या, आपने मेरे सारे सपनों को बर्बाद कर दिया। हाँ, हमें तो शौक है ना झाड़ू मारने का, सोचा था उसका और रानी का रिश्ता बर्बाद करने के बाद गोवा छुट्टी मनाने आएंगे, मस्त फैनी पिएंगे, गोरी गोरी फॉरनर्स ताड़ेंगे, रात को कसीनो में जाके माला माल बन जाएंगे। गोवा तो आए पर ना रिश्ता बर्बाद हुआ और ना गोरी गोरी लड़कियां मिली, हाथ में झाड़ू और बगल में चंपा लिए घूम रहे हैं। आपकी ना किस्मत अच्छी है जो मैं आपके साथ हूँ, वरना यहाँ तो आपकी कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या हुआ है अब, आपके पैंट में केकड़ा घुस गया है क्या? ये क्या हो रहा है, कुंवर सा डॉक्टरी छोड़ के ट्यूशन पढ़ाएंगे क्या? इतनी किताबें तो वीर सिर्फ एक इंसान के लिए लेके जा सकता है, पर इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे।
और उसके बाद तुम और हम चलेंगे थोड़ा इश्क लड़ाने। स्कूटी पर गोवा घुमाते हैं तुम्हें, पर उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। डॉक्टर साहब, ये सब किताबें का है? राजस्थान सरकार ने एक नया स्कॉलरशिप एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है, जिसे पास करने वाले टॉप 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर आप इस एग्जाम को टॉप करती हैं या फिर टॉप 5 में आती हैं, तो आपके पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी।